जो है हमारे सबसे बड़की मौसी है। कुछ कुछ कहे ना फूफा के गए मौसी, कुछ बुढ़िया बहुत पैसा रखती है, सी काम कर करके परेशान हो चुकी है। तब ना हम तुम्हारे पापा है ना, हाँ आज साबित हो गया अपना शरीर दिया बहुत पहले। देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप समझ रहे हैं आप? नहीं, उसके बाद फिर छोड़ दिया। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यूनाइटेड कल वेडिंग था, दीदी का वेडिंग, तो वो ब्लॉग आप लोग जरूर जाके देखना, ढेर सारा प्यार देना। तो अभी ऐसा है कि हम लोग घर निकल रहे हैं, एक दिन रुके थे, स्टे किए, बट आज निकलना पड़ा, बहुत सारा काम है। तो दिखाते हैं यहाँ पे जितने रिलेटिव्स, मौसी सी लोग, दीदी लोग आई है, ये सब मोमेंट कब आया नहीं है फिर से। तो मैंने सोचा कि उन्हें कैप्चर किया जाए और ब्लॉग के साथ दिखाया जाए सबको। तो यहाँ सबके साथ मस्ती भी कर रहे थे, आपको दिखाते हैं गाँव की मस्ती कैसा होता है, बिहार में कैसे शादी होते। तो मैंने बहुत कुछ नहीं दिखाया, बट हाँ छोटा सा वीडियो बना, उसको जरूर देखना। तो चलिए अभी मौसी से मिलते हैं और क्या क्या होता है, बहुत छोटा ब्लॉग है, तो लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देना। तो चलो अब घर में चलते हैं, टूर दिखाते हैं आप लोगों को। टेंट लगा हुआ है, कुछ खुला है, कुछ बाकी है, ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे धन्नो खड़ी है, पार्क है। तो दीदी लोग, अब दीदी के घर में चलते हैं, आपको भैया से मिलवाते हैं जो कपड़ा चेंज करें वीडियो में आने से पहले। तैयार यार हो रहे हैं सब, क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। रहा मौसी का घर और हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। अभी ढेर सारा कचरा मिलेगा बिकॉज शादी का घर, तो समझ ही सकते हैं, तो अब साफ उफ होगा। और इधर सोया हुआ है, ये मेरा भांजा है। टई ओई ओई, हाँ किसको ओए, देख सकते हैं कितना खाली डिब्बा है, ये सब क्या क्या काम होगा, इसका यूज़ किया जाएगा। और इधर अभी बचा हुआ है सामान सब। और अभी देखो ये पिटारी बचा हुआ है, पुछारी के लिए जाता है, बिहार में होता है पुछारी जाता है चौथारी के दिन लड़की की शादी में। अभी क्या क्या होता है दिखाते हैं आपको, ऊपर चलते, ऊपर सब लोग हैं। तो मीट माई मौसी। तो मौसी मन लग रहा हुआ, मन लग रहा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मौसी काम कर करके परेशान हो चुकी है। तब दीदी के याद आ रहा हुआ, अमृता दीदी के याद आ रहा हुआ, हाँ जाइए ना, गांव घर के सबसे बड़े फूफा जी हैं। मौसी थोड़ा मतलब इनका पैर टूटा हुआ है, तो ज़्यादा चल नहीं सकती हैं, बट हाँ काम कर रही हैं। दीदी का बहुत याद आता है इनको। चलिए ऊपर मिलवाते हैं सब लोगों से भी क्या क्या होता है। तो तुम अपना कार हमको देगा, देगा तुम अपना कार हमको, दे देगा पक्का? देखिए आप लोग के सामने बोला, पर बाद में क्या बोलता, नहीं देंगे, आप नया ले लीजिए। बचपन में आज चप्पल क्यों उठे, चलो ऊपर मस्ती करते हैं। चलो छोटा सा काम डाला मुझे मिला है ऊपर रखने के लिए, रखते हैं। काम करने में बहुत मजा आता है शादी के घर में। हम छत पे आ गए हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मरवा बना था, देखे थे ना आप लोग कितना प्यारा उस दिन लग रहा था भाई। बिहार में मरवे में शादी किया जाता है, यहाँ का ये रीति रिवाज सब है। और देखिए मौसी बहुत सारा काम करे, इसको डॉक्टर मना किया ऊपर चढ़ने के लिए, फिर भी इसका ये पैर का ऑपरेशन हुआ, फिर भी काम कर रही है, समझ रहे हैं प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है दीदी मौसी पे। ऐसे तो भाभी लोग दीदी लोग सब कर रही है, फिर भी इसको रहा नहीं जा रहा है, सबकी हेल्प करा रही है। और इधर देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, चाय लुप्त उठाते हैं। दीदी जो है किचन के मालिक यही है, चाय लेना होता है तो यही देती है। कल एक को बार ना दिलक है, दिलाई दो बार दिलक है, बाकी बात देखिए चिया गे। ये तो बाबू ना मिठाई चोरा लड़ो भोज में गे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं गे बुआ, तेरे बाबू ना मिठाई चोरा लड़ो भोज में। तो ये दीदी है, ये करहटिया वाला कुटुम है और वो तुर्की वाला कुटुम है। तब मन लग लो शादी में कस के, और कही आज चल जाबी, आज चल जाबी चौठारी के भोज खा के ना, पूरे सधा के जइए नेता के बाद। मजाक कर रहे हैं। यूनिक नाम बताते, बोलो तो क्या नाम है? सीताक्षी। मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना है, मुझे अच्छा लगा। और बताओ क्या कर रही हो? इसका मस्ती दिखाएं हम आपको, चलिए दिखाते हैं क्या करती है। देखिए इसको, इस साइकिल पे 5 साल से ज़्यादा बच्चा नहीं बैठ सकता, और ये 8 साल की है। और देखिए साइकिल कैसे, 10 साल की, सॉरी 10 साल की, और ये देखिए साइकिल चला रही है बउआ का। और उससे भी ज़्यादा ये देखिए क्या कर रही, इसको पीछे बैक
दे रही है इसको, आगे देख रहे दोनों एकदम बदमाश है, टूट जाएगा। और उधर जो आपको ये चौकी रखा हुआ है, छत मतलब अंग्रेजों के टाइम का घर है, और ये छत यहाँ से डैमेज है इसलिए यहाँ पे नो एंट्री लगाया है, बट लोग समझते नहीं, कभी भी ये गिर सकता है ज़्यादा वजन पर, इसलिए ज़्यादा इधर नहीं आना। जो घर है ना अंग्रेजों के टाइम का घर है, और कैसा लगता है पहले का घर, इसलिए कमज़ोर है, कब बहुत पुराना घर सब है, देख रहे हैं पूरा कैसा ये डिज़ाइन पहले का होता था, बहुत अच्छा लगता था, पर छत थोड़ा कमज़ोर इसलिए डर भी लगता है। अरे इधर ये सब थोड़ा नया बनाया, ये सब टूट के नया बना, नीचे पूरा पुराना डिज़ाइन का घर था। और गांव का व्यू देखे सुबह सुबह, देखो गांव की सुबह की मस्ती यार, कितना गांव की सुबह क्या ही कहें, मज़ा आ जाता है एकदम फ्रेश फ्रेश एयर, सब कुछ एकदम ठंडा का महीना, हम नहा धोवा के एकदम तैयार। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, टाउन में पपीता नहीं मिलता है, बट यहाँ देखो यहाँ पपीता ही मिलेगा आपको, पपीता का पेड़ हम लोग के यहाँ नहीं मिलता, और इसमें पपीता भी है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखो ये जो इस टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है, कि कोई मतलब जानवर ना आ जाए, चिड़िया उड़िया ना आए, इसके लिए लगाया जाता है कि लगे कि उसमें आदमी है। ये सब दिमाग, ये सब सिर्फ गांव में दिमाग मिलेगा आपको, गांव में खेतों की कमी नहीं मिलेगी। देख रहे हो घर है पीछे, पूरा खेत है, आंगन वंगन, यहाँ पे मतलब ज़मीन का कोई कमी गांव में नहीं मिलेगा। टाउन में हर एक छोटा छोटा चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ता है, पर यहाँ गांव में पूरा फ्री रहता है, जिसके खेत में जाइए यूज़ कर लीजिए चले, कोई पर दूसरे जगह जाइए टाउन में तो क्या क्या होता है, तो चलिए और दिखाते आपको क्या क्या होता है मस्ती। ओए स्माइल करो ना, ओए बच्चा, इसका नाम है लूची पूछी, इसका नाम बिगाड़ने में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का हाथ है, जिसका तारीफ हम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंटेंट यही डालते हैं सबका नाम बिगाड़ बिगाड़ के। दीदी क्या ही कहें, का नाम कोई लूसी पूसी रख सकता है, बताइए तो आप लोग सजेस्ट करके बताना इसका नाम क्या डालें। इधर देखो ये जो है हमारे सबसे बड़की मौसी है, कुछ कही कुछ गाना उना गाए ना मौसी, गा दे यही साथ शादी ब्याह में यही सब मस्ती होता है। तो नहीं राजा भी की ना, देखिए यहाँ पर खीसा चल रहा है, अपन जमाना का खीसा उसा अपन कहानी चलता है ब्याह शादी में औरत सब का, एकदम मंडली बैठा हुआ है, यही सब चालू है, इन्हीं लोग का तो जय जय है। कुछ कही ना फूफा के मौसी, कुछ कही ना फूफा के मजाक चल रहा है, देसी स्टाइल में मजाक। ये नांगू बेटा है, इधर देखो इधर देखो, इसका इज्जत दिखा दीजिए तो तनी, इसका इज्जत, अभी इज्जत मम्मी के हाथ में है, अब लीजिए इसका इज्जत बेइज्जती हो गया, जा बड़का होगा तो कहेगा मेरा बाप बेइज्जती कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, औकात से ज्यादा वाला काम इन लोगों का, देख रहे हैं अपने तक टिल्ली भर पिल्ली भर है, उठा इसको रहा, पतर सुक्का में दम है, दम है पतर सुक्का में। अरे सुनता ये अमर भाई ने एगो बात कही हो, ये देखना तोर बाबू रात दूगो मिठाई चोरा के भाग गेलो बियाह में से, चोर बाप बाप हो तू, और अरे तोर बाबू मिठाई चोर हो, जा रे जा जा जा। बहुत सारा मस्ती हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा फन होता है, कल का रिकॉर्ड नहीं कर रहा बट आज कर रहे हैं, और अभी खाना वाना खा नहीं, एकदम ताकत आ गया शरीर में, तब ना सबसे मजाक करेंगे, और अभी दिखाते कुछ देर और रिकॉर्ड करेंगे, फिर इस ब्लॉग को करेंगे समाप्त, बिकॉज अभी चलना है मुजफ्फरपुर, एक और शादी में जाना है, वहाँ का ब्लॉग कम में चांस है कि बनेगा, बट अभी देखिए थोड़ा सा मस्ती बचा वो करते हैं, और फिर आपको दिखाते भी क्या, तो लास्ट तक देखो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। ना छोड़ भी सब ससुराल ले जब भी बन ले, अमृता दीदी ले ला, तू ले जब ससुराल सब नाम ले ला, लीलम ले देख रहा लिया मसा देख ला, सब लूट लेता एकदम, ले जो ससुराल ले जो अच्छा देखा देव करा, दिल कर आधा ही में से दे भी, तब पूरा ले चलो, तिहाई में ना बात करबो, आना तो हम तो भाई एको को पेटी ना जाए देव, नहीं नहीं पूरा चाहिए, आधा दे दे, 10 पेटी में से हमर, देख रहे हैं सब अपना दिमाग लगा ले, मौसा के लूट लेगी सब, तो मौसा एक चाबी भी ना दिया, एकदम भीड़े हुए हैं, एकदम भीड़े हुए हैं।
भैया बंगाल से आए थे शादी देखने के लिए, बिहार का शादी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। देखिए एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, लड़की के शादी में सबसे ज्यादा हीरो किसको बनाता है? लड़का के, लड़की के भाई को। बट यहाँ उल्टा होता है, लड़की के भाई का कितना सारा काम होता है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लोग को उठाना था। अब भैया सोचे थे कि दीदी के दोस्त पर उसकी ननद पर लाइन मारेंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, बेचारे वेटर बन के घूम रहे हैं। बेचारा सो नहीं पाए, ठीक से तैयार नहीं हो पाए, सिर्फ हम लोग काम कर रहे थे, यही होता है, लड़की के भाई होने का फर्ज निभाना पड़ता है। साथ में एक दो दीदी वीडियो देखिए तो एक दो फोन गिफ्ट कहिए दिए, इतना मेहनत कर लिया हुआ था। ठीक है, देखिए लालू भैया एकदम भीड़ गए, एकदम मेहनत कर रहे हैं। अभी टेंट वन फिनिश होगा, उसके बाद क्या क्या होता है, क्या क्या होगा पता नहीं मुझे भी। ए तो मेरी बेटी है, लोची पोची तो बेटी है ना मेरी? ओ है ना हम तुम्हारे पापा है ना? हाँ आज साबित हो गया, बड़ा हरामी हो बेटा, है ना? दीदी के शादी में इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, कल ले जाके सीधा एक ब्रांड न्यू फोन निकाला है। कहाँ से लाया था बुआ पैसा, कहाँ से लाया है जल्दी बता। भाई क्या करते हो, एक नया फोन ले लिया, एक हम लोग हैं एक साल दो साल से एक पुराने फोन पर यूज कर रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लें आप बेरोजगार, लाज लग रहा है अभी इसको देख के। भाई बिजनेसमैन है, हल्का में मत लीजिएगा, शरीर भले इसका हल्का है पर इसको हल्का में नहीं लीजिए। नहीं बगल में ही खेत है, चौर नहीं खेत है, हम लोग वहीं थोड़ा मोड़ा बाग हैं, खा लिए हैं ज़्यादा ना तो टहलना पड़ेगा ना, पेट ऐसी निकल गए, देखिए काफ़ी मोटा आ गए हैं। भोज भात नहीं रुका जाता है, शरीर तो बनिए जाएगा बाद में, पर भोज भात नहीं छोड़ेंगे फ्री का। मेरे पीछे अमीर लोग आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं गांव का कुछ कुछ यूनिक चीज़। हाई देखिए, हाई आपके इधर है, ये कथी है भूसकार, इसके अंदर अनाज रखा था और भूसा उसा गाय भैंसी के लिए रखाता है। और इधर आपको दिखाते हैं क्या है बताइए, कमेंट करना क्या रोपा हुआ है, मैं बता दूं, ये सिर्फ आलू का खेती है, सारे जगह आलू आलू आलू। अब वो भूता गाछी है, उसमें भूत रहता है, रहता है ना भूत, थोड़ा पकड़ लो कहियो, चूड़ा देख के तो भूतनी फिदे हो जाते। हाय हाय देखिए सब लोग काम कर रहे हैं खेत में, देख रहे हैं किसानी किसानी। हाउ जे चाचा बैठे हुए हैं, वहाँ से देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और देखिए बहुत दूर का जूमिंग कर लिए हैं, कैमरामैन फोकस करो। ए चाची क्या करो तारू, देख रहे उधर गाय मतलब बहुत दूर है, उधर मौसी का भी बथान उधर वहाँ पे वो वाला, उधर नहीं जा सकते। और हमारी बेटी लुची पूछी, ऐसा क्यूट बच्चा हो ना तो दिल खुश हो जाता है देख के। क्या हो गया, क्या हो गया? कैसे लगा, कैसे लगा? मौसी देवी की, मौसी पैसा देवी की, ये बुढ़िया बहुत पैसा रखती है, बहुत तो पैसा रख ले पेटी में, देख 2100 दे ले, दही ना पूरा नोट पूरा दही ना, 100 कमा लिए हैं, 100 कमा लिए हैं, ऐसा नहीं सन 10 गो मौसी मिल जाते, 1000 भर दिन का कमाई है। बिहार का भोज आपको दिखाते हैं, और भोज भात खा के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मजा आता है। एथलीट बनने का कहाँ से सफर शुरू हुआ बताइए तो जल्दी। एक दोस्त था, वो 10 के बाद वो हमको मतलब ऐसी बेगारी बैठे थे तो वो बोला चलो रनिंग करते हैं, फिर बस रनिंग लाइफ में फिर हम घुस गए, एथलीट बन गए। वाह वाह अब कितना महान काम कर रहे हैं, 4-5 साल रनिंग में अपना शरीर दिया है, बहुत मेहनत, देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप समझ रहे हैं आप। उसके बाद फिर छोड़ दिया, जा रहे हैं, बाय बाय, फाइनली बाय बाय, अब हम जा रहे हैं, जल्दी मिलिएगा मुजफ्फर, और हमारा विदागी टाइम आ गया है, सब लोग विदा करने के लिए रेडी हैं, तो चलते हैं जल्दी से जल्दी। इमोशनल सीन, इमोशनल सीन, बहन मिलाप समझ रहे हैं,
और आने का एक फायदा मोटरी झोरा मिलेगा। तो मम्मी यहाँ पर इमोशनल हो गई, बहन से मिलने के बाद काफ़ी टाइम के बाद ये होता है। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। और ये देखिए मोटरी बना रहा है ले जाने के लिए, यही सब मस्ती हो रहा है, मन नहीं कर रहा है जाने का, पर जाना तो पड़ेगा। पूरी खाओ हंसते हंसते। तो सब मेरा वेट कर रहे हैं, गाड़ी ऑन हो चुकी है, अब निकलेंगे कुछ ही देर में। और बहुत सारा मस्ती किया, बहुत सारा याद जुड़ा हुआ है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा, जाने का मन नहीं, पर जाना तो पड़ेगा। तो चलिए अब घर की तरफ, मुजफ्फरपुर की तरफ निकलते हैं। तो अभी मैं मौसीगंज से लालगंज से निकल गया हूँ। अभी देखिए मैं कहाँ आपको बताता हूँ, भगवानपुर चौक, वो हमारी प्यारी खड़ी है। और ये दुकान के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, साहू टेस्ट ऑफ ट्रस्ट, बहुत फेमस दुकान है ये, बिकॉज यहाँ पे नेता, मतलब बहुत लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं टेस्ट करने, मिठाई बहुत कुछ नामी गामी है। अब यहाँ का हम चाय पीएंगे, यहाँ पे चाय के लिए भी टोकन लेना आता है, इतना बिजी दुकान है। और बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट की मिठाई सब है, सो टेस्टी मिठाई। अभी टोकन लेते हैं और चाय के लिए जाते हैं, कैसा चाय है, मज़े आ जाएगा। तो ये रहा मेरा टोकन, चाय के लिए चाय देते हैं। और चाय देखिए कितना, टेस्ट ऑफ चाय, बहुत तेज गर्म चाय, चाय 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 पीने वाला भी शर्म, चाय चाय चाय। चाय मैंने टेस्ट किया बट मुझे एवरेज लगा, लोग यहाँ पे चाय को हाइप बनाए हुए हैं कि टेस्टी टेस्टी, वो आग वाला बनाता वो मस्त है, ये वाला नहीं उतना अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही लीकर इसमें है, क्या ही क्या। मैंने चाय टेस्ट कर लिया, ठीक ठाक ही था एवरेज, वो तो वहाँ पे आग वाला चाय बनाता वो ज़्यादा मस्त होता है यहाँ का, मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो वाला मैंने, मुझे बहुत पसंद आता। अभी भगवानपुर से निकल के और मुजफ्फरपुर ले जाते हैं, फिर शाम में एक शादी, वहाँ भी मस्ती करना।